सुप्रभात बच्चों, आरपीएस की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब अपनी हिंदी की किताब निकालें और पढ़ें। तो आज आप सब पढ़ेंगे मीठा मीठा बोल का अर्थ क्या हुआ। शीर्षक का मीठे मीठे मीठी आवाज में बात करना, मीठी मीठी बोली। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आप सब क्या करें, ध्यान देकर इस कहानी को सुनेंगे। बहुत अच्छी है, इसको आप ऑफलाइन में पढ़ भी चुके हैं। तो पहले हम सब नाथ गौर से, ध्यान से, दयालु, जिसके मन में दया हो, प्रेम, प्यार, प्रसन्न, खुश, धमकाकर, डराकर, क्रोध, गुस्सा, धूर्त, चालाक। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, इस पाठ का कुछ सारांश आपका लिखा हुआ है कि हमें सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मीठी वाणी बोलने पर मिठी खरगोश को गुड़ खाने को मिला और लोमड़ी का क्या हाल हुआ। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि लोमड़ी का क्या हाल हुआ। तो आप अपनी हिंदी की किताब निकालें और लोमड़ी का हाल पढ़े और मीठी वाणी से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है उसको जाने। यहाँ पर आप देख ले, देखिए ये फोटो देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए हाथी दादा, खरगोश, ये भी दुकान लगा हुआ है जंगल में। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर है जंगल में मंगल बाजार लगा था, जंगल था उसमें क्या मंगल बाजार लगा था। मिट्ठू खरगोश जो था वो क्या किया, बाजार घूमने निकला। बाजार में तरह तरह की चीजें देखते हैं ना कि बाजार में तरह तरह की चीजें क्या रहती है, बिकती रहती है दुकान में। मिट्ठू जो था वो बड़े गौर यानी कि ध्यान से बाजार को में चीजों को देख रहा था। तभी उसे किसकी दुकान दिखाई दी, हाथी दादा की दुकान दिखाई दी। और हाथी दादा क्या कर रहे थे, हाथी दादा के दुकान पर ढेर सारा गुड़ रखा था। मिट्ठू सोचने लगा कि थोड़ा गुड़ मिल जाता तो मजा आ जाता। मन में सोचा कि क्या मैं गुड़ चुरा लूं, फिर नहीं, चोरी करना क्या है, बुरी बात है। इसलिए वो सोचा कि चोरी नहीं करूंगा, हाथी दादा से गुड़ मांग ही लूंगा। तब लोमड़ी जा करके, खरगोश जो था वो जा करके हाथी दादा से मीठी मीठी वाणी में बात किया, उनको तारीफ की कि हाथी दादा आप बहुत दयालु है, आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, क्या मुझे थोड़ा सा गुड़ देंगे। हाथी दादा मिट्ठू की मीठी बातें से क्या हो गया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मिट्ठू को खाने के लिए गुड़ दे दिया। और मिट्ठू को गुड़ लिखते ही मिट्ठू खुशी से उछलता कूदता जंगल की ओर चला गया। अतः वो गुड़ खा रहा था तभी उसे लोमड़ी का ध्यान मिट्ठू पर पड़ा और बोला कि तुम गुड़ कहाँ से लेकर के आओ। तो हाथी दादा खरगोश बोला कि मैं गुड़ जो वो हाथी दादा से मांग करके लाया हूँ, जा करके तुम भी उनसे मांग लो। लोमड़ी थी बहुत चतुर थी, जब लोमड़ी ने खरगोश को गुड़ खाते हुए देखी तो अकर करके बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए हो बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लोमड़ी बोली, किससे, खरगोश से। और लोमड़ी जो थी वो क्या की, खरगोश को गर्दन पकड़ ली। मिट्ठू ने डर करके कहा, बताता हूँ हाथी दादा की दुकान पर बहुत सारा गुड़ रखा है, तुम बाजार जाना और हाथी दादा से क्या करना, गुड़ मांग लेना, वो तुम्हें दे देंगे। लोमड़ी बोली, हाँ ठीक है, तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। लोमड़ी हाथी दादा के दुकान पर गई, वहां ढेर सारे उसने गुड़ देखे, उसके जीव से लार टपकने लगी। वह सोच रही थी कि मिट्ठू कितना मूर्ख है, वह जरा से ही थोड़ा सा गुड़ लेकर के ही खुश हो गया। लेकिन मैं तो ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं हाथी दादा को धमका करके ढेर सारा गुड़ ले लूंगी। लोमड़ी हाथी दादा की दुकान पर जाकर अकड़ते हुए घमंड से बोली, ए दुकानदार, तुम बेईमानी करते हो, कम सामान तौलते हो, खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हो, मुझे थैला भर करके गुड़ दे दो, नहीं तो मैं
शेरू राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शेरू राजा यानी कि शेर से। हाथी दादा को लोमड़ी पर बहुत क्रोध यानी कि गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि ये लोमड़ी कितनी धूर्त चालाक है, डरा धमका करके गुर मांग रही है, अभी मैं इसे क्या करता हूँ, मजा चखाता हूँ। हाथी दादा बोले, बैठो बैठो, मैं तुम्हें अभी अंदर से गुर ला करके देता हूँ। और हाथी दादा गोदाम में गए और एक गुड़ की बोरी चीटे से भरे थे वो ला करके हाथी दादा बोरी उठा करके लाए और लोमड़ी से बोले, लो इस बोरी में जितना चाहे गुड़ निकाल लो। लोमड़ी बहुत खुश हुई और वो क्या की, चीटे से भरे बोरे में हाथ डाली और क्या हुआ, उसके हाथ में चीटे चिपक करके उसे जोर जोर से काटने लगे और लोमड़ी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। पर लोमड़ी को क्या, बहुत रो रही थी, क्यों, क्योंकि उसके हाथ में तेज दर्द हो रहा था। वो छटपटाने लगी और जंगल की ओर भाग गई। हाथी दादा हंसते हुए अपने अपने आप से बोले, मूर्ख लोमड़ी, तेरी कड़वी बोली से गुर भी कड़वा हो गया है। मिट्ठू की तरह मीठा मीठा बोलना सीखो। समझे बच्चों, मिट्ठू जो था वो मीठा मीठा बोला, इसलिए हाथी दादा क्या किए, उसको गुर दे दिए। और वो गुर लेकर के मिट्ठू जो था वो क्या किया, खरगोश जो था मिट्ठू खरगोश, वो गुर खाया और प्रसन्न हुआ। लेकिन लोमड़ी जो थी वो क्या की, हाथी दादा ने से क्या की, वो अगर करके मिट्ठू ने गुड़ लेने के लिए क्या, मिट्ठू ने गुड़ लेने के लिए मीठी वाणी में हाथी दादा की बड़ाई की। हो गया प्रश्न है आपका, मिठू ने गुड़ लेने के लिए क्या, मिठू ने गुड़ लेने के लिए मीठी वाणी में मीठी बोली में हाथी दादा की बड़ाई की। मिठू गुड़ लेकर के कहाँ गया, मिठू गुड़ लेकर के जंगल की तरफ गया। मिठू ने लोमड़ी को क्या बताया, मिठू ने लोमड़ी को बताया कि हाथी दादा गुड़ बेच रही है, जा करके मांग लो। तो इस पाठ में और सारे प्रश्न उत्तर है जिनका क्या करेंगे, आप अपना लिख लीजिएगा, आपको बताया ही गया है पाठ में। देखिए ये है आपका, ये मौखिक है, मैं लिखित लिख दी हूँ, फिर सही गलत का निशान है आपका। ये प्रश्न छूट, लोमड़ी को कड़वा बोलने की क्या सजा मिली, तो लोमड़ी को कड़वा बोलने की सजा क्या मिली, हाथी दादा ने उसे चीटों से भरे बोरे दिए और उसके हाथ में चीटे चिपक करके जोर जोर से काटने लगे। किसने कहा, किसने कहा, आप बहुत दयालु है, मिट्ठू खरगोश ने कहा। तुम गुड़ कहाँ से लाए हो, लोमड़ी ने कहा। ए दुकानदार, तुम बेईमानी करते हो, लोमड़ी ने कहा। तुम्हें अंदर से गुड़ ला करके देता हूँ, हाथी दादा ने कहा। ये बन गया आपका, ये मैं लिख दी हूँ और इसको भी आप बना लीजिए, सही गलत का टिक भी लगा करके सब आपके ही कार्य में भेजेंगे। तो इसी के साथ आज की ऑनलाइन कक्षा समाप्त हो रही है। धन्यवाद।